आराधन करते, हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते, हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते, अल्लेलुया गीत गाकर आराधन करते, अल्लेलुया गीत गाकर पूजा करते हम, आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपके दर्शन पाकर जय जय गाएंगे, आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, कान से हम दिल से उसकी आराधन करते। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। स्रोत ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 8 कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा था, लेकिन हमें हमारे जीवित प्रभु पर भरोसा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत प्रभु के नाम पर आती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम प्रभु के सामने, उसकी वेदी के सामने, उसके चरणों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रभु के नाम पे ही हमारी मुक्ति है। प्रभु के नाम से हमें शक्ति मिलती है। आप अपनी कठिनाइयों में, अपनी परीक्षाओं में किस पर भरोसा रखते हैं? अपनी ताकत पर या प्रभु के पवित्र नाम पर? क्योंकि उसी के नाम में शक्ति है और वही हमारा भला कर सकता है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें, प्रभु को दंडवत करें, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐ सदाय आराधना, ऐ एलोहीम आराधना, आराधना यीशुआ। नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 26 कहता है, प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि वह हमारी चिरस्थाई चट्टान है। चट्टान प्रभु हमारे सामने बनकर खड़े रहते हैं। प्रभु तेरे जैसा कौन है? कौन हमारा भला कर सकता है? उसके बिना प्यार व्यर्थ होता है। उसके बिना हम छूने के समान है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम ना के बराबर हैं। यदि प्रभु हमारे साथ है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया और हम उसके हैं। मुझे इस समय एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक चिड़िया एक नाली में फंस जाती है। वातावरण बहुत ठंडा था, ठंड के कारण उसके पैर एक बर्फ के समान बन जाते हैं। यद्यपि वह चिड़िया जीवित है लेकिन वह उड़ नहीं सकती। आप जानते हैं कि घर के मालिक ने क्या किया? घर के मालिक ने उस चिड़िया को अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। उस समय तक छुपाया जब तक उस चिड़िया को गर्मी महसूस नहीं होने लगी। वैसा ही है हमारे प्रभु का प्यार। प्रभु हमें अपने हथेलियों में छुपा कर रखते हैं। हमें तब तक छुपा कर रखते हैं कि हमें कोई भी बाहर की बाधा या परेशानियां हमें प्रभु से दूर ना करे। प्रभु का प्यार अपार है। प्रभु हमें अपने आंखों की पुतली के समान रखते हैं, जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 17:8 में लिखा है कि तू आंख की पुतली तरह मेरी रक्षा कर और मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा ले। हम प्रभु की पंखों की छाया में रहते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की छाया में छिपा कर रखती है। वह छाया जो बाहर की हानियों से कठिनाइयों से उन्हें बचाती है, वही है हमारा प्रभु। हमें हर दुर्बलताओं से, हर परेशानियों से, हर परीक्षाओं से हमें छुपाता है, क्योंकि उसी में हमारा बल है और वह हमारी चिरस्थाई चट्टान है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें, उसको दंडवत करें, उसको उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वह हमारी महिमा के योग्य है। प्रभु हम सारे संसार के साथ, सारी सृष्टि के साथ, हर मानव जाति के साथ आपकी आराधना करते हैं। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, कठिनाइयों में मेरे साथ रहता है, मेरे आंसुओं को पोछता है। जीवन के हर क्षण मेरे साथ, हम सारी सृष्टि के साथ तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे दंडवत करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है। हमारा गढ़ बनकर, हमारी चट्टान बनकर तू हमारे साथ है। आइए हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाकर प्रभु की आराधना करें। आराधना प्रभु, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल। मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे उसी से सहायता मिली है, क्योंकि प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा भरोसा, और वही चिरस्थाई है अनंत काल तक। आज के लिए हम सुसमाचार लेंगे। संत यूहन्न के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 पद वाक्यांश 22 से 29।
जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे उन्होंने देखा था कि वहाँ केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे, उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहाँ ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो ईसा हैं और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहाँ पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आज के सुसमाचार में ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु येशु ख्रिस्त अनश्वर भोजन की बात करते हैं। नश्वर भोजन और अनश्वर भोजन में अंतर है। नश्वर भोजन जिसे हम रोजाना ग्रहण करते हैं वह शारीरिक पोषण के लिए आवश्यक है और नश्वर भोजन जो है वह क्षणिक तृप्ति प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर अनश्वर भोजन आत्मा की तृप्ति प्राप्त करता है और यह अनंत काल की तृप्ति देता है। तो हम इस अनश्वर भोजन की खोज कहाँ करें? यह अनश्वर भोजन हमें कैसे प्राप्त होगा? धर्म ग्रंथ में ही इस सवाल का उत्तर है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 वाक्य 4 जहाँ प्रभु येशु ख्रीस्त शैतान के द्वारा परीक्षित होते हैं। प्रथम परीक्षा के बाद जो शैतान को यीशु जवाब देते हैं वे कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीता है। यानी कि वह अनश्वर भोजन प्रभु का शब्द है, धर्म ग्रंथ का शब्द है। और इसीलिए हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 47 में पढ़ते हैं कि ये शब्द जो धर्म ग्रंथ में शब्द हैं, ये शब्द तुम्हारे लिए नीरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इस पर तुम्हारा संपूर्ण जीवन निर्भर है। इन्हीं शब्दों पर हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही शब्द हमें अनश्वर भोजन प्रदान करता है। इसीलिए हम संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। यानी कि ये जो शब्द धर्म ग्रंथ में हैं वही स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं, वही स्वयं वह अनश्वर भोजन है, अनंत जीवन की रोटी हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। और हम सब इसी रोटी को ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं और जो आज के सुसमाचार में भी हमने पढ़ा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्योंकि विश्वास ही हमें उस अनश्वर भोजन की प्राप्ति करवाता है। यूहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में उस समारी स्त्री के साथ कुएं पर जब प्रभु समारी स्त्री से
बात कर रहे थे तो उन्होंने उस समारी स्त्री को कहा कि यह कुएं का पानी जो पीता है उसे पुनः प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं दूंगा उसे पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि जो उस पानी को पीता है उसमें जाके एक स्रोत बन जाता है जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहता है। इसीलिए हमें उस अनश्वर भोजन के लिए, उस अनंत जीवन को प्रदान करने का जल के लिए ललाहित रहना है। संत पौलुस भी हमें इस बात को याद दिलाते हैं। रोमियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 वाक्य 17 में कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि न्याय, शांति एवं पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ईश्वर के राज्य को पाने के लिए हमें उसी अनश्वर भोजन के लिए हमें उत्साहित रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 वाक्यांश 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब हम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहते हैं तो जो नश्वर भोजन है, शरीर को तृप्ति देने वाले भोजन है, वो हमें यूं ही प्रदान कर दी जाएगी, वो हमें यूं ही मिल जाएगा। इसीलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उसी भोजन, अनश्वर भोजन की मांग करना है। और प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और प्रभु जो प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाते हैं, उस प्रार्थना में भी हमें यही प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं कि प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। वो प्रतिदिन का आहार प्रभु का वचन है, उस वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। यदि हम प्रभु के वचनों को आत्मसात करते हैं, उसे उन वचनों पर चलना शुरू करते हैं, तो हमें वह अनश्वर भोजन प्राप्त होता है और हम अनंत काल की तृप्ति को प्राप्त करते हैं। आमेन। इनकी सुनने वाले मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे प्रभु, राजा हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह कर तुझसे प्रार्थना की। प्रभु, तूने उस पर कृपा दृष्टि की और उसके आंसुओं को पोछा और उसकी आयु 15 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। प्रभु, उसी प्रकार हम तेरे सानिध्य में आकर तेरे नाम की दुहाई देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जोआकिम लकड़ा के लिए, जो हृदय से संबंधित बीमारी से पीड़ित है, प्रभु उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं अलादी को समर्पित करते हुए, उसके परिवार में तू आ प्रभु और अपनी शांति से भर दे। उसके पति के मन को परिवर्तन कर और उसके कार्य में, उसकी नौकरी में तू उसे आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं गुरुवरी मुर्मू को समर्पित करते हुए, हे प्यारे यीशु, उसके पति के मन को परिवर्तन कर, उसके सभी बंधनों को तोड़ डाल और उसके कार्यों में, उसकी नौकरी में तू उसे आशीषित कर। इसके लिए समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्रभु, कलांती सिंह को समर्पित करते हैं, रीता को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे यीशु, इस नित्य आराधना में समय जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के लिए इस समय हम तेरी दुहाई देते हैं। तूने अपना हाथ बढ़ाकर, चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर, क्योंकि तू ही कहता है, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर
मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्रभु इस वचन की योग्यता से सभी रोगियों को, सभी वेदना से कराहने वाले भाई बहनों को तू अपना दाहिने हाथ बढ़ाकर स्वस्थता चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे उनके जीवन में और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को लेकर यीशु तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशु आराधना हालेलुया 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 तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। यीशु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे प्यारे यीशु, सतपति का नौकर जो बीमार था, सतपति तेरे पास आकर तुझसे प्रार्थना की और तूने एक ही वचन कहा उस सतपति के नौकर के लिए और वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त किया। उसी प्रकार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जेरमिया अध्याय 33 वचन संख्या 3 की योग्यता से। तूने ही कहा है प्रभु, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हम तुझे पुकारते हैं यीशु तेरे पवित्र नाम लेकर और तुझसे प्रार्थना करते हैं मुक्ता सरोज दुंगदुंग को समर्पित करते हुए, जो गर्भवती है प्रभु। माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी गर्भवती महिलाएं, माताएं, बहनें इस समय इस नित्य आराधना में तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें अपने हृदय से बहने के लिए दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। और प्यारे प्रभु यीशु, सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर, उनके सभी प्रकार की चिंताओं, दुखों, निराशाओं से, डिप्रेशन से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एथन गैब्रियल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु, उसकी पढ़ाई में तू उसे सहायता प्रदान कर और पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, पवित्र आत्मा का ज्ञान, पवित्र आत्मा का विवेक प्रदान कर। सभी पढ़ने वाले भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु, ताकि तू उन्हें पढ़ाई में सहायता प्रदान करे, ताकि वे उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, अरमान को समर्पित करते हुए प्रभु, उसे सभी प्रकार की चिंताओं से छुटकारा प्रदान कर। तू ही कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु, अरमान और उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे, उनके सारी चिंताओं को तू हर ले प्रभु, सारे दुखों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर, मुक्ति प्रदान कर। नौकरी ना मिलने के कारण जो इस समय उदास है, निराश है, आत्महत्याएं करने की योजनाएं बना रहे हैं, सुयोग्य जीवन साथी ना मिलने के कारण प्रभु, संतान का वरदान ना मिलने के कारण परेशान हैं, हताश हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, हे प्यारे यीशु, इस समय हम तेरे नाम लेकर तुझे पुकारते हैं। उत्तर दे और हमारे भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। हम प्रार्थना करते हैं जूही को समर्पित करते हैं और विशेष रूप से उसकी मम्मी जो लीवर और यूट्रेस के कैंसर के रोग से पीड़ित है, प्यारे यीशु उसे चंगाई दे। हे प्यारे यीशु, जब तू उसे चंगाई प्रदान करेगा तभी वह चंगाई प्राप्त करेगी, जब तू उसे छुटकारा प्रदान करेगा तभी वह छुटकारा प्राप्त करेगी। हाँ प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उस प्रकार सभी रोगी विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों के लिए जो कैंसर और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं प्रभु, और तेरी ओर अपने रोगों को अपने हाथों में लेकर तेरी ओर उठा रहे हैं। यीशु दया कर, करुणामय प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया स्तुति आराधना महिमा तुझे धन्यवाद थैंक यू जीसस सारा भरा दे रे 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 विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा